इंडिया गवर्नमेंट द्वारा ये प्लानिंग की जा रही है कि अभी इंडिया में जो भी एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन मोड पर होंगे, इस प्रकार का प्लान गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, ये मनाज प्रीतम जो जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, और इसी के बारे में वो न्यूज देते रहते हैं, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट लाइकली टू गो फॉर जेई स्टाइल ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्स। मतलब कि जितने भी एग्जाम होंगे वो जेई मेन की स्टाइल में होंगे। जेई मेन की स्टाइल का मतलब है कि जेई मेन की जो एग्जाम होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, दो शिफ्ट में एग्जाम होती है ये। तो इस प्रकार से इसी की तर्ज पर बाकी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने के मोड में अभी सरकार नजर आ रही है। एक बार ये हम पूरा आर्टिकल देख लेते हैं, तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ये एक इंडिकेशन दिया है कि एग्जाम को स्ट्रेस फ्री, मल्टी सेशन, मल्टीपल टाइम इन ए ईयर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्यूचर में इस प्रकार का एग्जाम लेने के मूड में है गवर्नमेंट। जिस प्रकार से जेई मेन का एग्जाम होता है उसी प्रकार से ये एग्जाम लेने के मूड में है। जो जेई मेन का एग्जाम कोविड की कंडीशन में 4 बार भी कंडक्ट हुआ था 1 साल में, और हर साल ये 2 बार कंडक्ट होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है, और 8-9 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, और इसमें अप्रोक्स इस साल 9 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे। तो जिस प्रकार से जेई मेन का एग्जाम लिया जाता है ऑनलाइन मोड में, उसी प्रकार से ये भी एग्जाम लिया जा सकता है इसमें। अब बात करें हम आगे की, एनटीए जो है वो कोलिब्रेट कर सकता है जो ग्लोबल बॉडीज हैं, जैसे यूएस का है, यूएस की जो एग्जाम होती है सेट का जो एग्जाम होती है उसकी जो ईटीएस बॉडी है वो कंडक्ट करवाती है, तो उससे भी एक बार वो किस मॉडल पर काम कर रही है, कैसे काम करता है, तो उससे भी एक बार कोलिब्रेट करके इस प्रकार से ये सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन एग्जाम हो, साल में 2 या 3 बार कंडक्ट करवाई जाए और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो। ये जो 7 मेंबर की कमेटी थी जो पैनल गठित किया था, उसमें भी मंडे को उसकी भी मीटिंग हुई थी, और उसमें भी ये चर्चा की गई थी कि ऑनलाइन मोड सिक्योर रहता है या ऑफलाइन मोड। उसमें आगे भी इस विषय में जितनी भी मीटिंगें होंगी उसमें इस विषय पर चर्चा होंगी, तो उनका भी कहना यह है कि ये ऑनलाइन मोड है वो सिक्योर मोड है ऑफलाइन की बजाय। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी ये हिंट दिया था कि जो एग्जाम है इंडिया में आने वाले टाइम में, इंडिया को एक फ्लेक्सिबल और लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम की जरूरत है, तो ये सेट की तरह होना चाहिए। और इसमें जिस प्रकार से यूएस में एडमिशन होता है सेट एग्जाम के लिए, ईटीएस जो एडमिशन करवाती है, उसी प्रकार से ये जो फ्लेक्सिबल और लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम लेने के लिए इस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है, ये भी एजुकेशन मिनिस्टर ने हिंट दिया था। अब ये 2017 और 18 में एनटीए 2019 से उसमें आया था एग्जाम के लिए, एग्जाम नीट का 2019 से करवाया था, लेकिन 2018 में ये इस्टेब्लिश हो गया था एनटीए, तो ईटीएस की तरह ही अब इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाने की तैयारी चल रही है यहाँ। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें जो एग्जाम है उसको स्ट्रेसफुल यानी लेस स्ट्रेसफुल और मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने के लिए ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस प्रकार के आर्टिकल में ये कहा गया है इसमें आगे। अब बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया है कि गवर्नमेंट जेई मेन की स्टाइल में ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाने के मूड में है। दूसरा इसमें आर्टिकल ये भी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पेन एंड पेपर मोड एग्जाम से सिक्योर मोड है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये इस प्रकार की अभी प्लानिंग चल रही है, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो नीट 25 का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जा सकता है। जिस प्रकार से 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें स्टूडेंट को फायदा ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट एक सेशन का एग्जाम नहीं दे पाता है तो वो दूसरे सेशन में एग्जाम दे सकता है, अगर एक सेशन में स्कोर कम आता है तो दूसरे सेशन में स्कोर ज्यादा आने की वजह से उसका स्कोर जो बेटर स्कोर होता है वो ही काउंट होता है, तो ज्यादा स्कोर वाला उसका काउंट हो जाता है, तो उससे स्टूडेंट को स्ट्रेस कम होता है, ये एक अच्छी बात है। और जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी तो उसमें जो पेपर लीक के और बाकी सारे जो चांसेज हैं, जैसे कि स्टूडेंट को पेपर लेट मिलता है एग्जाम हॉल में या फिर उनको और कोई डिस्टर्ब होता है, तो इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी इससे।
तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने से स्टूडेंट को काफी फायदा होगा, और अगर ये साल में 2 बार होता है तो स्टूडेंट को और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो 2025 में जो भी एग्जाम होंगे या 2024 में इसके बाद जो भी एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में करवाने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये अच्छी बात है। और इसमें NEET 25 का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। इतना जरूर है कि NEET 25 के लिए एग्जाम में कुछ सुधार होंगे, हो सकता है ये सुधार बड़े पैमाने पर भी हो, लेकिन कुछ तो सुधार जरूर होंगे उसमें। जो ये अभी घपला हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं, ये तो NEET 25 में नहीं होंगी, ऐसा महसूस हो रहा है अभी। अभी जो 7 मेंबर्स की जो कमेटी गठित की गई थी वो एनटीए की पूरी, जो एनटीए का कार्यकलाप है उसके बारे में ये पूरी जायजा लेगा, और ये 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगा। तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये पैनल भी ऑनलाइन रिकमेंडेशन करेगा, ऑनलाइन एग्जाम के लिए ये रिकमेंडेशन करेगा, क्योंकि एनटीए काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब हम बात करें कि क्या रीनीट संभव है, तो मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ये अभी इसके 50-50 चांसेस हैं, और काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होंगे ये वीडियो बनाने के बाद, क्या रीनीट का एग्जाम होगा, तो वो भी क्या ऑनलाइन मोड पर हो सकता है। तो देखो, अगर रीनीट होता है तो वो पेन एंड पेपर मोड पर ही होगा, ऑनलाइन मोड पर ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके पेपर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं या प्रिंट भी होंगे, तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो पेन एंड पेपर मोड पर ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन के लिए काफी सारे चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सा समय लगता है, तो इतना समय भी नहीं रहेगा। तो जो अगर बाय द वे रीनीट के चांसेज बनते हैं तो ये पेन एंड पेपर मोड पर ही रहेगा, ये तो क्लियर है, इतना जल्दी चेंजेस नहीं हो सकता इसमें। तो ऐसे स्टूडेंट को जो NEET 24 के एस्पिरेंट हैं उनको ये डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। तो ये जानकारी थी ऑनलाइन मोड पर, ये अच्छी खुशी की बात है। अगर ऑनलाइन मोड पर एग्जाम हो जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है, और साल में 2 बार होता है तो और भी अच्छी बात है। इसमें जो बेस्ट स्कोर होगा दोनों सेशन में वो काउंट किया जाता है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।